तो ये जब हम YouTube चैनल स्टार्ट करते हैं तो हम सभी का YouTube चैनल पे सब्सक्राइबर जो है बहुत ही कम होता है, तो इसलिए जब भी हम वीडियोज अपलोड करते हैं तो जो भी न्यू व्यूअर होता है वो सबसे पहले देखता है इसका चैनल में कितना सब्सक्राइबर है। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है एक व्यूअर के लिए। और गाइस अगर हमारा चैनल पे कम सब्सक्राइबर है और ये सब्सक्राइबर सबको दिख रहा है तो ये थोड़ा प्रॉब्लम हो सकता है। मतलब प्रॉब्लम इसके लिए कि ये थोड़ा इंप्रेशन मतलब ख़राब करता है कि हमारा चैनल पे बहुत ज़्यादा कम सब्सक्राइबर है, तो लोग उस चैनल को छोड़ के जा सकते हैं। तो गाइस वो व्यूअर सोच सकता है कि इस चैनल पे कम सब्सक्राइबर है, इसका मतलब वीडियोज ये अच्छा नहीं बनाता है, कुछ इस तरीके से नेगेटिव इंप्रेशन तो पड़ता ही है। इसके लिए यूट्यूब ने एक फीचर दिया है कि आप जो है अपने चैनल का सब्सक्राइबर को हाइड कर सकते हैं। तो गाइस ये फीचर को आप जब भी चाहें एनेबल डिसेबल कर सकते हैं। और गाइज वही इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप अपना YouTube चैनल का सब्सक्राइबर काउंट को कैसे एनेबल या फिर डिसेबल कर सकते हैं, और ये मोबाइल से बड़े आसानी से कर सकते हैं। तो इस वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए, आपको सारे स्टेप्स पता चल जाएगा। वेल है गाइज, माय नेम इज दीप्ति रंजन एंड आई एम वेलकम बैक टू द चैनल। गाइज और एक इंपॉर्टेंट चीज़ बताना चाहूँगा कि आप ये जो सब्सक्राइबर काउंट को मतलब आप 1000 सब्सक्राइबर तक डिसेबल करके रख सकते हैं, और उसके बाद आपको खोल देना चाहिए क्योंकि 1K होने के बाद जो है लोगों का इंप्रेशन सही हो जाता है। तो गाइज YouTube पे सब्सक्राइबर हाइड करना बहुत ही आसान होता है, तो सबसे पहले आपको क्रोम ओपन करना पड़ेगा। तो गाइज क्रोम ओपन करने के बाद यहाँ पे 3 डॉट दिख रहा होगा, उसके ऊपर आपको क्लिक करना है और यहाँ पे डेस्कटॉप साइट को एनेबल कर लेना है। और उसके बाद यहाँ पे गाइज आपको सर्च करना है studio.youtube.com। तो गाइज जैसे ही ये साइट ओपन होता है आपको सबसे नीचे आ जाना है, और देख सकते हैं यहाँ पे एक सेटिंग का बटन आ रहा है और आपको उसके ऊपर क्लिक करना है। और गाइज यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन आने वाले हैं, आपको सिर्फ सेकंड ऑप्शन यानी कि चैनल के ऊपर क्लिक करना है, और यहाँ पे फिर से कुछ ऑप्शंस आ जाएगा और आपको यहाँ पे एडवांस सेटिंग के ऊपर क्लिक करना है और थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करना है। आपको यहाँ पे सब्सक्राइबर काउंट का एक ऑप्शन आएगा और यहाँ पे आप देख सकते हैं मैं ऑलरेडी हाइड करके रखा हुआ था, तो इसलिए ये डिस्प्ले द नंबर ऑफ पीपल सब्सक्राइब टू माई चैनल ये ऑन टिक है। अगर गाइज आपका चैनल पे कितना सब्सक्राइबर है वो आप सारे लोगों को दिखाना चाहते हैं तो सिंपली यहाँ पे डिस्प्ले द नंबर ऑफ पीपल सब्सक्राइब टू माई चैनल इसको टिक कर दीजिए और सेव कर दीजिए। अगर आप नहीं दिखाना चाहते हैं तो सिंपली इसको ऑन टिक कर दीजिए और आपको आगे सेव कर देना है। तो गाइज मैं इसको ऑन टिक कर देता हूँ क्योंकि मैं नहीं दिखाना चाहता हूँ कि मेरा कितना सब्सक्राइबर्स है, तो इसलिए मैं ऑन टिक कर दिया और यहाँ पे मेरे को सेव कर देना है। आई होप दोस्तों इस वीडियो में आपको पता चल गया होगा कि आप अपना यूट्यूब चैनल का सब्सक्राइबर काउंट को कैसे हाइड कर सकते हैं, और ये अपने मोबाइल फ़ोन से मैंने आपको बता चुका हूँ। आई थिंक गाइज ये वीडियो आपको बहुत ही अच्छा लग रहा होगा, तो इस वीडियो का आप लाइक करिए, सबके साथ शेयर करिए, और अगर आप चैनल पे नए हो तो प्लीज़ जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए इस चैनल को, क्योंकि हम भी हमारा चैनल का जो हिडन सब्सक्राइबर है वो बहुत ही जल्द मतलब खोलने वाला है, यानी कि 1000 सब्सक्राइबर कंप्लीट होने वाला है। तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। तो मिलता हूँ किसी और एक इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, हैव अ ग्रेट डे।